ब्लेंडिंग में बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। नॉर्मली एक ऑब्जेक्टिव होता है इनको दानेदार चाय दिखानी होती है, ठीक है। तो जब दानेदार चाय दिखानी होती है तो 60-70-80% तक टारगेट यही होता है कि बड़े दानों को लेना, ठीक है। छोटे दाने थोड़ी सी लीकर को इन्हेंस करने के लिए थोड़ी वो डाल देते हैं, ठीक है। और लीफ मल्टी ओरिजिन की लीफ डाल देते हैं, जैसे नेपाल का हो गया, कुछ असम का हो गया, कुछ दार्जिलिंग का हो गया। दार्जिलिंग की लीफ कॉस्टली होती है, सब तरह तरह के लीफ इसमें इन्होंने डाल देते हैं, ठीक है। तो ताजमहल और टाटा गोल्ड, ये कौन सा था? ताजमहल। पूरा इंडिया का चाय टेस्टर वाले जी, अब देखिए ये कौन सा ताजमहल है, ये ना। अब देखिए ताजमहल तो टाटा गोल्ड से भी बेटर है। ताजमहल अच्छा ना, देखिए लीकर करेक्टर दिखे ना, साफ साफ दिख रहा है, इन्फ्यूजन भी, इन्फ्यूजन भी ब्राइटर है, तो लीकर भी सही दिख रहा है। इन्फ्यूजन भी अगर कंपेयर करें तो इन्फ्यूजन क्या है, ताजमहल वाला क्या दिख रहा है, मोर ब्राइटर। तो ये जो ताजमहल का ब्लेंड करेंगे आपको 300 के आसपास मान के चलना पड़ेगा, जबकि ये 250-260 में भी हो जाएगा, ठीक है। ये दो सौ, ये एक क्वालिटी 250 में भी पॉसिबल है, एक क्वालिटी 270-280 में पॉसिबल है। जबकि इन दोनों की बाग बकरी और ताजमहल की बात करेंगे तो बाग बकरी और ताजमहल में भी ताजमहल और बाग मोर लेस टक्कर में है, लेकिन फिर भी स्टील इसको मैं ज़्यादा अच्छा मानूंगा, मोर लेस बराबर है, ज़्यादा का फर्क नहीं, कांटे का टक्कर है, लेकिन टाटा गोल्ड इसमें फ्लॉप हो गया, ठीक है। ताज़ा का ब्लेंड में भी इनका भी एरिया वाइज चेंजेस होते हैं, ठीक है। कहीं पे बीपी यूज करेंगे, कहीं पे बीओपीएसएम भी डाल देते हैं। तो इस ब्लेंड में क्या किया है, बीओपीएसएम दे दिया है, तो इसमें बीपी और बीओपीएसएम का कॉम्बिनेशन कर दिया। और जो आरबी कट लीफ कर कल बता रहा था ना, बाहर कल बता रहा था, उसी लीफ को लोग डाल देते हैं, ठीक है। हिमाचल वाले, हाँ हिमाचल या साउथ इंडिया में मिलती है, और इसको डाल देते हैं। और बीपी बीओपीएसएम मोर लेस 50-50%, और लीफ को इसमें 3-4% डाल देते हैं। एवरेज चाय लेते हैं 115-20-25 के अंदर में बगानों से चाय खरीदते हैं, कभी कभी 110 में भी खरीद लेते हैं, ठीक है। सर डोर वाला लग रहा है इसमें, सर 50-50% ही होता है और 2-3% लीफ का लीफ होता है इनका। जैसे चाय को सस्ता कर दे 5% 10% आगे पीछे करना कोई बड़ी बात नहीं है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, चाय को सस्ता करना। इसका लिखने का कोई फायदा नहीं है जी, कितने परसेंट किसने क्या डाला, हाँ कोई मतलब नहीं, सस्ता करना चाहिए, मतलब यही होना चाहिए सस्ता करना, ठीक है। इन्फ्यूजन इनकी डार्क होती है, कोई खास इन्फ्यूजन नहीं, केस आर नहीं, सारे BLF की चाय होती है, सस्ता वाला BLF का। हाँ अभी तो BLF में प्रॉब्लम भी चल रही है, केमिकल वगैरह को लेकर के फैक्ट्रियाँ स्ट्राइक में है सभी, हाँ पूरा न्यूज़ भी आया था, आप लोग को नहीं शेयर किया। तो अब देखिए इसमें कुछ करने का नहीं है, ये ड्यूअल ट्रिपल सब कुछ रहेगा इसमें, शायद सस्ता करना है बस, सारा मिक्स है। सर जैसे एक टारगेट ही है 120 का, सर एक क्वेश्चन था, जैसे इसका इन्फ्यूजन करेक्टर में दाने अलग अलग हो रहे हैं, बट इसमें इन्फ्यूजन में दाने, हाँ देखिए इन्फ्यूजन की बहुत सारी बातें नहीं बताया, इन्फ्यूजन को कॉपरी होना अच्छी बात है, क्या है कॉपरी होना अच्छी बात है, स्पंजी होना मतलब मुलायम होना अच्छी बात है, ठीक है। तो इन्फ्यूजन ब्राइट कॉपरी हो, स्पंजी हो, मतलब एक चम्मच फूल के 2 चम्मच हो जाता है, तो इट्स गुड साइन, ठीक है। लेकिन रेट के हिसाब से या क्वालिटी के हिसाब से थोड़ी बहुत फर्क हो जाती है, डार्क होना खराब बात है, इन्फ्यूजन में दानों को हार्ड होना के साथ में एक खराब बात है, ठीक है। अब कॉपरी का डिग्री है, डल कॉपरी है कि थोड़ी सी डीप कॉपरी है, या हल्का लाइट लिटिल ब्राइट कॉपरी है, उसके शेड को देख के जज करिए, या हल्की सी ग्रीनिश कॉपरी है वो फर्स्ट रफ में आपका क्लियर, लेकिन वो भी अच्छी बात नहीं है, ग्रीन होना भी अच्छी बात नहीं है। या इन्फ्यूजन का डुअल होना, दो कलर होना अच्छी बात है, डुअल मिला था तो डुअल होना अच्छी बात नहीं है। इन्फ्यूजन अगर इवन हो, एक समान हो, उसका शेड के हिसाब से डिसीजन लीजिए, बहुत ब्राइट है महंगी चाय होगी, थोड़ी सी कम ब्राइट है थोड़ी सस्ती होगी, एक एवरेज ब्राइटनेस दिख रही है तो एवरेज चाय होगी, लेकिन काला है डार्क है तो क्या होगा, सबसे बेकार और सस्ती चाय होगी,
यानी फ्रीडम से ही उसका दाम का अंदाजा लगा सकते हैं। जो बॉटलिक वाले हैं वो भी मतलब इंक्लूजन उनका भी कॉपरी आ सकता है। बॉटलिक का बहुत कम आता है। अब यहाँ पे अभी आगे का जो चैप्टर बताऊंगा कि भाई आप तीनों के साथ में कैसे आप सिंक्रोनाइज करोगे कि देखने में ऐसा तो इन्फ्यूजन ऐसा तो निकल गया ऐसा, ठीक है। हम तीनों में से कोई एक चीज़ देख के बता सकते हैं, हम इसको देख के बता देंगे लिकर कैसा होगा, इसका चेहरा कैसा होगा, ठीक है, या इसको देख के बता देंगे इसके लिकर कैसे आने वाली है। जैसे हम अभी बाघ बकरी के केस में ऐसा देखा और नहीं चाहे अच्छी है और सच में इसकी अच्छी भी मेरा तो टेंशन हर तरफ जा रहा है ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो जाता है, लेकिन चाय देखना ही काफ़ी है, ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी। क्लियर कौन कौन सा है? देखिए ये टाटा अग्नि किस लोकेशन की है सर? ये पंजाब में, पंजाब में पता नहीं ऐसा क्यों दे दिया टाटा अग्नि, इसमें सारे जो है ना ओएफ और बीपी का ब्लेंड दे दिया है और इलायची डाल दिया है, ठीक है। इनका भरोसा नहीं होता है, कहीं पे BOPSM भी देते हैं, BOP भी डालते हैं, OF डालते हैं, जो सस्ती मिल गई डाल दो, जानते हैं इनको पता भी जो ग्राहक है इसका रेट के रेट देखते थे उनको तो मतलब ठीक है। हमने कई जगह टेस्ट किया है, कई जगह देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जितने भी हैं उनका कुछ भी ग्रेड को लेके मतलब प्री डिफाइनेशन नहीं है, प्री डिफाइंड नहीं है कि हमको यही ग्रेड इतने परसेंट देना है। एक चीज़ है सस्ता करना है कैसे करो, बस चाय को लिया मिलाया होगी, यहाँ भी इन्फ्यूजन देखोगे डार्किश मिलेगी, यहाँ का भी थोड़ा हार्डनेस मिलेगी और इसका भी इन्फ्यूजन सेम ही था। और जितने भी अपने चाय है सबसे ज़्यादा डलनेस टाटा अग्नि की चाय में मिलेगी, इलायची फ्लेवर की है। अब देखो कितना का फर्क है, इतना का फर्क होना मतलब 200 रुपये का फर्क है, ठीक है, 180 से 200 का फर्क है क्वालिटी में। ये देखो सारे चाय में फर्क है, ठीक है। तो ये सबसे जब इन्फ्यूजन डार्क तो लीकर डार्क, ठीक है, यहाँ ब्राइटनेस कम तो यहाँ भी ब्राइटनेस कम, ये समझ में आया आप लोगों को? जी सर। यहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा कहाँ पे था? ये यहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा तो यहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा, यहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा तो यहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा। ये दोनों लोरेंस की चाय है, सबसे बेकार चाय ये है, ब्लैक होगा, हाँ सबसे काला बेकार चाय नवचेतन का है, बाघ बकरी नवचेतन सबसे डाउन है, ठीक है। तो ये नवचेतन की अगर बात करें तो नवचेतन देखिए इलायची चाय, दोनों इलायची निकाले हैं, तो इनका चाय से मतलब नहीं होता, इनको मतलब होता है इलायची का सुगंध लेना, सस्ता निकालना। तो यहाँ भी मल्टीग्रेड दिए हुए हैं, यहाँ पे BOPSM भी है, BP भी है और OF भी थोड़ी बहुत है, ठीक है, ठीक है ना, ये OF भी है।